अज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे सपोर्टिव प्लांट टिश्यूज़ के बारे में। उन प्लांट टिश्यूज़ के बारे में पढ़ते हैं जो प्लांट के बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। हमारे पास जो है तीन तरह के प्लांट सपोर्टिव टिश्यूज़ होते हैं। सबसे पहला हमारे पास है स्केलेरेनकाइमा टिश्यू, दूसरा हमारे पास है कोलेनकाइमा टिश्यू, तीसरा हमारे पास है पेरेनकाइमा टिश्यू। इस लेक्चर में हम जो है इन दो टिश्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं स्केलेरेनकाइमा टिश्यूज़ के बारे में। स्केलेरेनकाइमा टिश्यू जो है एक मैकेनिकल टिश्यू है जो प्लांट के बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करता है और इसको स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करता है। स्केलेरेनकाइमा टिश्यूज़ के सेल्स को अगर हम देखें तो स्केलेरेनकाइमा टिश्यू के नए सेल्स जो है लिविंग होते हैं, लेकिन जैसे जैसे इनके सेल्स जो है मेच्योर होता रहता है, इनके सेल वॉल जो है थिक हो जाते हैं और इस तरह इनके मैच्योर सेल्स की डेथ होती है और इनके मैच्योर सेल्स डेड सेल्स होते हैं। इनके जो प्राइमरी सेल वॉल है उसमें जो है थिक डिपोजिशन ऑफ लिग्निन होती हैं और दिस थिक डिपोजिशन ऑफ लिग्निन जो है मुख्तलिफ मटेरियल्स और वाटर की जो कंटेंट है उसको बाहर से सेल के अंदर आने नहीं देता। इस तरह जब बाहर से मुख्तलिफ मटेरियल सेल्स के अंदर नहीं आता तो ये जो स्केलेरेनकाइमा सेल्स जो लिविंग हुआ करता था वो उसकी डेथ होती है और वो डेड सेल्स बन जाते हैं। तो ये था स्केलेरेनकाइमा टिश्यूज़। दोबारा आपके लिए रिवाइज करता हूँ कि स्केलेरेनकाइमा टिश्यू एक मैकेनिकल टिश्यू है जो प्लांट के बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करता है और साथ ही साथ उसके स्ट्रेंथ में भी इजाफा करता है। स्केलेरेनकाइमा टिश्यूज़ के जो सेल्स हैं अगर वो नए हैं तो वो लिविंग है और उनके सेल्स की जो सेल वॉल है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम उसमें डिपोजिशन ऑफ लिग्निन होते हैं और ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ लिग्निन इनके सेल वॉल थिक हो जाते हैं और जब इनके सेल वॉल थिक हो जाए तो बाहर से मुख्तलिफ मटेरियल जो खुराक की शक्ल में है या पानी की फॉर्म में है वो बाहर से अंदर नहीं आ सकता। जब मुख्तलिफ खुराक और वाटर जो है बाहर से सेल के अंदर ना आए तो सेल्स जो है क्या होंगे उसकी डेथ हो जाती है। इसीलिए हम कहते हैं कि स्केलेरेनकाइमा टिश्यूज़ के जो मैच्योर सेल्स हैं वो जो है डेड होते हैं। अगर हम बात करें स्केलेरेनकाइमा टिश्यूज़ की सेल्स के बारे में तो स्केलेरेनकाइमा टिश्यूज़ जो हैं इनके सेल्स तीन तरह के होते हैं। सबसे पहला हमारे पास है वेसल, दूसरा हमारे पास है ट्रैकेट, तीसरा हमारे पास है स्केलेराइट। अपनी डिस्कशन का आगाज़ जो है वेसल से करते हैं। वेसल जो है ये लॉन्ग ट्यूब नुमा सेल से मिलकर बना होता है और इनके सेल्स जो है आपस में जो है जुड़कर एक लॉन्ग ट्यूब बनाते हैं और इस लॉन्ग ट्यूब के थ्रू जो है वाटर कंडक्शन होता है, यानी इस ट्यूब के थ्रू जो है खुराक और पानी की जो है तरसील होते हैं प्लांट के बॉडी के अंदर। इसी तरह दूसरा हमारे पास है ट्रैकेट। ट्रैकेट को अगर हम देखें तो ट्रैकेट जो है इनकी शेप सिलेंड्रिकल होते हैं, सिलेंडर की तरह इनका शेप होता है। साथ ही साथ अगर इनको हम देखें तो ट्रैकेट जो है ये कहाँ पर पाया जाता है, ये प्लांट के स्टीम के पेरिसाइकल में पाया जाता है, ये प्लांट के स्टीम के कॉर्टेक्स में पाया जाता है और वहाँ ये जो है सपोर्ट का काम करता है और साथ ही साथ ट्रांसपोर्टेशन का काम भी करता है। ट्रैकेट्स को अगर हम देखें ट्रैकेट्स जो हैं डाइकोटिलेडोनियस स्टीम में ये जाइलम या वेस्कुलर बंडल के अराउंड जो है कवरिंग बनाता है और उसकी यही कवरिंग जो है वेस्कुलर बंडल को सपोर्ट प्रोवाइड करता है और इस कवरिंग को हम कहते हैं बंडल कैप। इस कवरिंग को हम क्या कहते हैं, बंडल कैप कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है स्केलेरॉइड्स। स्केलेरॉइड्स को अगर हम देखें तो ये भी सिलेंड्रिकल शेप ही रखता है, लेकिन इनके जो साइज़ है वो बनिस्बत स्केलेरॉइड के जो इनके साइज़ जो है ट्रैकेट के बनिस्बत जो है शॉर्ट होते हैं। और इसी तरह अगर हम देखें स्केलेरॉइड की जो दीवार है, सेल वॉल है, इनके सेल वॉल के अंदर जो है पिट्स पाए जाते हैं, छोटे छोटे सुराख पाए जाते हैं और साथ ही साथ अगर हम देखें स्केलेरॉइड्स जो है या तो सिंगली जो है स्केटर होते हैं प्लांट के बॉडी के अंदर या फिर ये जो है ग्रुप की शक्ल में स्केटर होते हैं प्लांट के बॉडी के अंदर। इसी तरह अगर हम देखें स्केलेरॉइड्स कहाँ पर पाया जाता है, स्केलेरॉइड्स पाया जाता है स्टीम के कॉर्टेक्स में, ये स्टीम के फ्लोएम में भी पाया जाता है, स्टीम के सेंटर वाले पाथ
जिसे हम पीट कहते हैं उसमें भी पाया जाता है, ये सीड कॉर्न में भी पाया जाता है और नट शेल्स में भी पाया जाता है। इसका काम क्या है? इसका काम ये है कि जिस स्ट्रक्चर में ये पाया जाए उस स्ट्रक्चर को जो है रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, यानी उस स्ट्रक्चर को जो है हार्ड बनाता है। ये था जो है तीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स ऑफ स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज़। नेक्स्ट हमारे पास है कोलेनकाइमा टिश्यू। कोलेनकाइमा टिश्यूज़ को अगर हम देखें तो इनके सेल्स जो है स्फेरिकल शेप रखते हैं। इनके सेल्स के कॉर्नर में जो है एक्स्ट्रा सेलुलोज होते हैं, इसी वजह से इनके सेल्स की जो कॉर्नर वाला एरिया है उसकी सेल वॉल जो है थिक होते हैं। तो आपने जेहन में रखना है कोलेनकाइमा टिश्यू जो है स्फेरिकल सेल से मिलकर बना है। इसके सेल्स के जो कॉर्नर है उसमें जो है सेलुलोज की मकदार ज़्यादा होता है, इसी वजह से वहाँ की जो सेल वॉल है वो थिक हो जाते हैं। साथ ही साथ अगर हम देखें कोलेनकाइमा टिश्यू जो है एक मैकेनिकल टिश्यू है जो प्लांट के बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। कोलेनकाइमा टिश्यू कहाँ पर पाया जाता है? कोलेनकाइमा टिश्यू पाया जाता है लीफ के अंदर या फिर ऐसे स्ट्रक्चर्स के अंदर पाया जाता है जहाँ पर सेकेंडरी ग्रोथ ना हो, यानी वो स्ट्रक्चर मोटा ना हो जाए, ये उस जगह पर पाया जाता है। साथ ही साथ अगर हम देखें कोलेनकाइमा टिश्यू जो है यंग स्टीम या हर्बिशियस स्टीम में भी पाया जाता है जहाँ ये सपोर्ट का काम करता है। तो ये आज के टॉपिक जिसमें हमने सपोर्टिव प्लांट टिश्यूज़ के बारे में पढ़ा। होप आपको समझ आ चुका है। अगर आपको इस क्वेश्चंस के रिलेटेड या इस टॉपिक के रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं जल्द ही कोशिश करूँगा कि आपके क्वेश्चन सॉल्व कर सकूँ। थैंक यू।